सारे जो बंदे हैं अपने ग्रुप में ईवी के, वो बोल रहे थे कि बेल्ट की आवाज़ आती है, तो आवाज़ बेल्ट की नहीं आती, जहाँ यहाँ पे जो ब्रेक पैडल है उस ब्रेक पैडल में मिट्टी चली जाती है, उस वजह से वो घिसता है। तो क्या करना है, बस डिस्क को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी बाइक गंदी हुई है, सेम जैसे पीछे वाला डिस्क हमने क्लीन किया था, आगे वाला भी क्लीन करेंगे। और एक चीज़, एक मिनट ही, इसका फ्लैश मैं ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली कंट्रोलर है, ये गर्म भी होते रहता है। यहाँ पे देखिए कीचड़ फंसा हुआ है, ज़्यादातर गाड़ी यहाँ पे गंदी हो रही है, क्योंकि यहाँ से आने वाला जो भी मड है, देखिए पूरा इधर ही फंस रहा है। और हाँ, आप देखेंगे कि मैं कपड़ा का रब नहीं कर रहा हूँ, बस पानी में भिगो के ले रहा हूँ, और उससे जो भी मड है उसे गीला करके बस हटा रहा हूँ। रब करोगे तो स्क्रैचेस आ जाएंगे बाइक पे, तो स्क्रैचेस से बचने के लिए बस गीला करके लो और मिट्टी हटाओ। यहाँ पे दिख रहा है डस्ट, आप देखो क्लीन होने के बाद। सबसे मेन बात ईवी में बेल्ट, बेल्ट और ये टीथ, एक यार मोबाइल, ये रहा, ये वाली जो टीथ है वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लीन करते टाइम आपको कोई किसी भी कोई स्प्रे या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं, बस एक ख़राब हुआ टूथब्रश चाहिए, बस ऐसे रब करते जाओ, वो क्लीन होते जाएगा। हाँ, ये थोड़ी मेहनत वाली बात ज़रूर है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। ये देखिए ये क्लीन होता जाएगा जैसे जैसे मैं ऐसे रब करते जाऊँगा। हाँ, मेहनत वाली बात तो है। सेम ऊपर के ऊपर साइड में, यहाँ पे सिंपल तरीका है बेल्ट क्लीन करने का, कोई मुश्किल तरीका तो है नहीं। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ और फिर से वीडियो चालू करता हूँ। ओके दोस्तों, और एक जगह होती है जहाँ पे बाइक सबसे ज़्यादा गंदी होती है, वो ये है। तो अगर हम हफ्ते में एक दो बार भी क्लीन करें ना,
तो फिर बार बार बाद में ज़्यादा झंझट नहीं होगी। गाड़ी जब पूरी तरह से धो के हो जाए ना दोस्तों, तो कुछ देर के लिए बस ऐसे ही रखो उसे, तुरंत तुरंत स्टार्ट मत करो। और ये जो पानी है वो सूखे कपड़े से पोंछना है और पूरी तरह से ड्राई करनी है गाड़ी, वरना क्या होता है दाग रह जाते दोस्तों। और एक चीज़ बतानी है आपको, गाड़ी धो के होने के बाद, जैसे अभी मैं धोया हूँ अपनी बाइक, पूरी तरह से ड्राई नहीं किया हूँ, उसे पोंछ के लूँगा मैं अच्छे तरीके से, और उसी के बाद उसे स्टार्ट करूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि आपको टैंक खोलना है और उसके बाद ये हटाना है, और यहाँ पे पानी गया है क्या चेक करना है। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो थोड़ा सा पानी हल्का हल्का अंदर आया है, सिंपल और कुछ नहीं, बस कपड़ा लो पोंछ दो।